हे, टूल ओरिएंटेशन क्या होता है? टूल ओरिएंटेशन कैसे काम करता है? गाइस, यदि आप एक कैडकैम यूजर हैं तो आपको टूल ओरिएंटेशन को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, फ्यूजन 360 के अंदर हम टूल ओरिएंटेशन कैसे करते हैं और कैम सेक्शन में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। और गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवजा टेक्निकल हंट। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं टूल ओरिएंटेशन के बारे में फ्यूजन 360 के अंदर। सो गाइस, फ्यूजन 360 के अंदर जब हम टूल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि भले आप मिलिंग परफॉर्म करते हैं या फिर आप टोनिंग को परफॉर्म करते हैं या एडिटिव परफॉर्म करते हैं या फिर आप कोई फैब्रिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एज वेल आप कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं आपकी सीएनसी मशीन पर या फिर आप किसी और मशीन पर किसी भी टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे गाइस टूल ओरिएंटेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, टूल ओरिएंटेशन का बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं मतलब क्या होता है, तो टूल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा टूल है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आएगा तो वो किस तरीके से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी किस तरीके से अपने एंगल को वो डिफ्रैक्ट करेगा और अपने एंगल को किस तरीके से वो एक्सचेंज करेगा, चेंज करेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ट्रूनिंग के ऊपर। तो ट्रूनिंग में गाइस हम अलग अलग ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फेजिंग हो गया, प्रोफाइल रफिंग हो गया, प्रोफाइल फिनिशिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, थ्रेड हो गया, प्रोबिंग हो गया, पार्ट हो गया। तो ये सारे ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पर टूल ओरिएंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब मैं गाइस यहां आपको बता रहा हूं कि बेसिकली हमारा टूल है कौन सा। जैसे गाइस यहां आप देख सकते हो, ये हमारा बेसिकली टूल होता है, ये हम इसको हम कंप्लीटली टूल बोलते हैं, जहां पर ऊपर की तरफ आपको जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो बेसिकली कहलाता है हमारा होल्डर। और नीचे की तरफ गाइस आपको जो येलो कलर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, येलो कलर का जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये कहलाता है बेसिकली इंसर्ट। तो इसकी भी गाइस मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस भी अगर नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां जाकर के आप जो है उन वीडियोस को काफी इजी तरीके से देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इंसर्ट्स क्या होते हैं, होल्डर्स क्या होते हैं, लेथ क्या होता है, टूरेंट मशीन्स क्या होती है। तो इस सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। अब गाइस मैं यहां बात करता हूं कि फ्यूजन 360 के अंदर कैसे टूल ओरिएंटेशन किया जाता है। गाइस पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर मशीन के लिए जो टूल ओरिएंटेशन होता है वो बेसिकली फिक्स रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे को जैसे टोनिंग करना है सीएनसी मशीन में, तो वहां पे हमारा टूल ओरिएंटेशन फिक्स रहता है, यानी 0 डिग्री पर ही रहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस मैं आपको यहां पे एक रीजन बताता हूं। अभी गाइस मैं जैसे आप देख सकते हो, यहां पर मैं फेजिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो मेरे को टूल ओरिएंटेशन 0 रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए गाइस, यहां पर जो हमारा टूल है वो इस तरीके से चलेगा और यहां पर एक्स एक्सिस पे आकर के वहां पर फेजिंग करेगा, ठीक है। तो जो इंसर्ट का जो एंगल रहता है, अलग अलग इंसर्ट्स के अलग अलग एंगल्स रहते हैं, तो जो हम इंसर्ट यूज कर रहे हैं वो हमारा इंसर्ट है सीएनएमजी, ठीक है गाइस। इसकी भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप चाहे तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सीएनएमजी के अंदर इस इंसर्ट का जो बेसिकली एंगल रहता है, इस ऑब्जेक्ट और जो टूल हमारा आएगा उसके बीच का जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री रहता है, ठीक है गाइस। अब चूंकि गाइस यहां पर हमने ऑलरेडी 0 डिग्री टूल ओरिएंटेशन रख रखा है, अगर मैं इस टूल ओरिएंटेशन के एंगल को थोड़ा भी अगर चेंज करता हूं, गाइस मान लीजिए कि मैं यहां पे इस टूल ओरिएंटेशन को 14 डिग्री पे कर देता हूं, तो आपने देखा गाइस यहां पे सबसे पहले जो मेरा टूल था वहां पे आपको रेड कलर दिखा होगा। अगर मैं आपस से यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं तो ये देखिए गाइस यहां पर ऑलरेडी आपको यहां रेड कलर दिखाई देगा। जैसे गाइस मैं यहां पे करता हूं, यहां पे देखिए मेरा जहां माउस है
यहां पर देखिए गाइस, जैसे मैं इस एंगल को चेंज करता हूं यहां पर रेड कलर आ जाता है, और रेड कलर आने के बाद इसका मतलब होता है दिस इज अ डेंजरस। डेंजरस का मतलब गाइस क्यों, क्योंकि यहां पर जब हम फेजिंग करेंगे, अब गाइस जैसे मेरा जो टूल ओरिएंटेशन होगा यहां पे, चूंकि मैंने अपने टूल का एंगल चेंज कर दिया यानी मेरे इंसर्ट का एंगल भी चेंज हो गया, चूंकि मैं जो इंसर्ट था ऑलरेडी पहले 0 डिग्री पे था, अब वो मेरा इंसर्ट क्या हो गया 45 डिग्री पे हो गया, चूंकि मेरा इंसर्ट जो बनाया गया है वो 0 डिग्री के लिए ही बनाया गया है। अगर मैं उस एंगल को चेंज करता हूं तो गाइस जब हम यहां पर सिमुलेशन करेंगे तो यहां पे एरर हमको शो होगी, प्लस साथ साथ में यहां पर जो डैमेज का खतरा होगा, जो बर्निंग का जो खतरा होता है वो यहां पर काफी ज्यादा जो है वो हो जाता है। अगर हम यहां पर कैम के अंदर हम क्योंकि सॉफ्टवेयर में करते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट हम एक मैन्युअली किसी मशीन में जाकर के उसके एंगल को चेंज करके वहां पर अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो इससे क्या होगा गाइस कि वहां पर बर्निंग या डैमेज होने का खतरा जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। आने वाली वीडियोस के अंदर गाइस हम यहां पे उन चीजों को भी आपको बताएंगे कि अगर हम मैन्युअली उन चीजों को थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं, जैसे टूल के एंगल को हम थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं तो वहां पे क्या चीज जो है अफेक्ट करती है। और गाइस यहां पर अगर मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूं तो आपको गाइस यहां लिखा हुआ मिलेगा यूज दिस ऑप्शन इफ योर लैड टूरेंट हैज प्रोग्रामेबल पी एक्सिस, योर पॉस्ट प्रोसेस विल नीड टू सपोर्ट पोस्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, द टूल पर पास डायरेक्शन इज ऑटोमेटिकली रोटेट टू सूट दिस वैल्यू टू अवॉइड टूल ब्रिकेज और डिफ्लेक्शन। गाइज यहां पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, पोस्ट प्रोसेस क्या होता है। पोस्ट प्रोसेस गाइज अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट प्रोसेस गाइज बेसिकली होता है जब हम कोई भी ऑपरेशन यहां परफॉर्म करेंगे तो उसका एक जी कोड जो है यहां पर जनरेट होता है, और वो जी कोड अगर हम अपने पेन ड्राइव में लेकर के हम अपनी सीएनसी मशीन में डालते हैं तो वहां पर वही चीज परफॉर्म होगी जो कि एग्जैक्टली हमने अपनी इस जगह पर हमने परफॉर्म की है। तो यहां पर गाइस हमको एक सिमुलेशन का ऑप्शन भी मिलता है, यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये यहां पर हमको सिमुलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सो मैं यहां पर एक बार इसके एंगल को अगेन यहां पर चेंज करता हूं और यहां मैं आपको एक बार सिमुलेट करके बताता हूं गाइस। ये देखिए यहां पर ये हो रहा है हमारा गाइस बेसिकली फेजिंग। देखिए तो जो हमारा इंसर्ट है वो 0 डिग्री के लिए ही बनाया गया है, बट अगर मैं यहां पे इसके एंगल को चेंज करता हूं यहां पर, तो गाइस जब हम एंगल को चेंज करते हैं यहां पर देखिए गाइस अभी हमारा जो एंगल है वो है 0 डिग्री पे, क्योंकि हमारा जो इंसर्ट बनाया गया है वो बेसिकली जो था 0 डिग्री के लिए। लेकिन अगर मैं यहां पर इसके एंगल को चेंज करता हूं 45 डिग्री पे करता हूं तो देखिए क्या होता है यहां पर, और मैं इसको यहां से ओके कर लेता हूं अगेन, मैं यहां पर इसको एक बार आपको सिमुलेट करके बताता हूं तो यहां पे क्या चीज होगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं इसको एक बार सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि जो टूल ओरिएंटेशन जब हम करते हैं तो वहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज का। तो यहां पे मैं इसको आपको रन करके बताता हूं इस तरीके से, ये देखिए। तो यहां पे क्या होगा गाइस, यहां पर जब हमारा टूल यहां पर चलेगा और इस ऑब्जेक्ट को कटिंग करेगा तो इसके और इंसर्ट के बीच में एक जो बेसिकली दोनों के बीच में एक बर्निंग जो प्रोसेस है वो यहां पर क्रिएट होगा, और इस वजह से हो सकता है कि हमारी मशीन पर इफेक्ट पड़े, या हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट पे, या फिर हमारा जो टूल है वो ही डैमेज हो जाए। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये चेक करना होगा कि आपकी जो मशीन है उस मशीन पर टूल ओरिएंटेशन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप गाइस क्या कर सकते हो, टूल ओरिएंटेशन जो है काफी इजी तरीके से फ्यूजन 360 में कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि जो टूल ओरिएंटेशन होता है वो बेसिकली टूल की जो एक्सिस है उसको चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस बस उम्मीद करता हूं आपको ये टूल ओरिएंटेशन जरूर समझ में आ गया होगा फ्यूजन 360 के अंदर, और यदि अगर आपको कोई भी डाउट है टूल ओरिएंटेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में काफी ज्यादा जानकारी हो सके। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।